वेलकम टू मोहिनीज फूड मैजिक। आज हम बनाने जा रहे हैं सीजनल गाजर का हलवा। अब आप सोचेंगे कि इस वीडियो में क्या खास बात है, गाजर का हलवा तो सभी बनाते हैं। तो इस वीडियो में ये खास है कि हम ना इसमें मावे का यूज़ कर रहे हैं और ना ही दूध का यूज़ कर रहे हैं। जब हम दूध डालकर बनाते हैं तो उसे काफ़ी देर पकाना पड़ता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें हमने यूज़ किया है पनीर का। और जो इसका दानेदार टेक्सचर आएगा उसे देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें पनीर का यूज़ हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ मैंने 1 किलो गाजर ली है और उसे छील लिया और धोकर पोंछ लिया है। गाजर के रेशे निकालना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे गाजर के हलवे का कलर अच्छा आता है। गाजर एकदम लाल लाल चुन कर ही लें। अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। अब इसमें ग्रेट करी हुई सारी गाजर डाल देंगे। ध्यान रखें कि आपको फ्लेम मीडियम ही रखनी है। अब इन्हें 5 मिनट तक हम ऐसे ही घी में रोस्ट करेंगे। आपने कई बार गाजर का हलवा तो बनाया होगा, पर आप एक बार इस तरह से भी गाजर का हलवा बनाएं। इस रेसिपी की खासियत ये है कि ये जल्दी बन जाता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में तो वाह वाह क्या बात है। अब इसे रोस्ट होते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और इसे मीडियम फ्लेम पर फिर से रोस्ट होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम तैयारी करते हैं छेना बनाने के लिए। छेना बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध। इसे 5 मिनट तक मैंने बॉईल किया है। यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। अब हम 1 गिलास में पानी लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। अब इस पानी से हम दूध को फाड़ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर दूध को फाड़ते जाएं। दूध को हम उसी तरह से फाड़ेंगे जैसे हमेशा हम फाड़ते हैं और उसे यूज़ करेंगे। आप यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो मार्केट से आप रेडीमेड पनीर ले आइए और उसका यूज़ करिए। 1 किलो गाजर में 100 से 150 ग्राम पनीर काफ़ी है। आप उस पनीर को क्रम्बल करिए और गाजर के हलवे में ऐड कर दीजिए। अब दूध फट चुका है और अब हम एक स्ट्रेनर की सहायता से इस पनीर को छान लेंगे जिससे पानी अलग हो जाए और छेना अलग हो जाए। छेने में 1 गिलास पानी लेंगे और इसे अच्छे से डाल देंगे जिससे कि छेने में जो खट्टापन आया है वो हट जाए। यहाँ पर पानी इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने 1 गिलास पानी पहले भी यूज़ किया था इसे फाड़ने के लिए। अब इसे स्ट्रेनर को हम रख देंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। अब हलवे को भी पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें हम शक्कर डालेंगे। हाँ, मैंने 250 ग्राम शक्कर का यूज़ किया है और इसे मैं एक साथ नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा करके डालूंगी। इससे होगा ये कि जैसे जैसे शक्कर पकेगी गाजर के हलवे का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो हम इसे एक साथ न डाल के थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आप देख सकते हैं कि गाजर के हलवे का कलर कितना अच्छा आया है क्योंकि हम जैसे जैसे शक्कर डालते जा रहे हैं हलवे का कलर चेंज होता जा रहा है। अब हम बची हुई सारी शक्कर इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है गाजर के हलवे का। इसमें हमें कोई भी कलर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम दूध डाल के पकाते हैं तो गाजर के हलवे का कलर इतना अच्छा नहीं आ पाता है। अब शक्कर मेल्ट हो चुकी है, इसमें अब हम डालेंगे छेना जिसका पानी निकल चुका है और इसे जैसे मिक्स करेंगे। छेना डालने से जो दानेदार इफेक्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। पनीर अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें और काफी अच्छे से पक चुका है ये गाजर का हलवा। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और मिक्स ड्राई फ्रूट्स और इन्हें अच्छे से चला लेंगे। अभी इसमें काफ़ी पानी दिखाई दे रहा है तो इसे पकने के लिए भी हमें 5 मिनट और लगेंगे। इसे मीडियम या लो फ्लेम पे ही पकाएं। आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी सूख चुका है
जिसमें पानी नहीं है। और रेडी है हमारा गाजर का हलवा। गैस करेंगे बंद और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो रेडी है हमारा डिलीशियस गाजर का हलवा। आपको मेरा यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।